चलिए बात करेंगे कांग्रेस के मिशन गुजरात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सीएम गहलोत ने उन्हें रिसीव किया है। तस्वीरें भी जरा आप देखिए। अहमदाबाद में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प महारैली है, तो राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात में बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को भी संबोधित करेंगे और यहाँ साबरमती आश्रम में एक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि गांधी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के बूथ योद्धाओं के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बाद में साबरमती आश्रम जाएंगे जहां वह एक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेंगे। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए। इन तस्वीरों में राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत ज्यादा जोश और उत्साह उनको देखने के बाद यहाँ पर नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं तो उत्साहित होना लाजमी भी है। इन तमाम कार्यकर्ताओं का, इन पदाधिकारियों का, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा भी साथ ही उनके मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। ये उनकी लोकप्रियता और खासियत भी है कि जब भी वो किसी भी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह उनको देखते हुए बनता है और यही वजह कि यहाँ पर जब गुजरात के दौरे पर वो हैं तो यहाँ पर भी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उनको लेकर भी एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें ज़रा आप देखिए। तो तमाम अहम कार्यक्रम हैं आज राहुल गांधी के और यही वजह कि वो पहुंचे हैं गुजरात। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव गुजरात में बेहद नज़दीक है, कल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होनी है, ऐसे में दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। और जानकारी आपको दे दें कि पार्टी नेताओं ने यह भी कहा है कि इस बार वो आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे और पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में तमाम यह कार्यक्रम जिसके माध्यम से कोशिश और कवायद यही है कि पार्टी को और ज़्यादा मजबूत गुजरात में किया जा सके। अब इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए राहुल गांधी पहुँच चुके हैं गुजरात और जो तमाम अहम कार्यक्रम हैं आज उनमें वो शिरकत भी करेंगे और निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा से पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद वो लेंगे। अश्विनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल गांधी अभी स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं एयरपोर्ट से। जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए और पूरी जानकारी भी आज के कार्यक्रम को लेकर आपसे चाहेंगे। चलिए अश्विनी से फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले तस्वीरें एक बार जरा फिर से आप देखिए। राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। गुजरात का अहम दौरा उनका ये है और निश्चित तौर पर आज तमाम अहम कार्यक्रम है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो वहीं पार्टी नेताओं में भी बहुत ज़्यादा उत्साह उनके इस दौरे को लेकर है। और जानकारी आपको दे दें कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस की बूथ योद्धाओं के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और फिर साबरमती आश्रम वो जाएंगे। तो आज गुजरात के दौरे पर है राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे, ये हम कह सकते हैं। और वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना ज़्यादा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। भव्य स्वागत राहुल गांधी का यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें रिसीव किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें भी जरा आप देखिए। अब अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज के तमाम कार्यक्रम को लेकर हम आपसे जानकारी भी चाहेंगे और साथ ही राहुल गांधी पहुंचे हैं, उत्साह अपने आप देखते ही बन रहा है तमाम कार्यकर्ताओं में। देखिए, यहाँ कांग्रेस के काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हैं और जिस तरह तस्वीरों में देखा राहुल गांधी यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में पहुँचने से पहले उन सब कार्यकर्ताओं से, यहाँ एक पंक्तिबद्ध जो कार्यकर्ता हैं मौजूद थे, उन सब से मुलाकात की है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
रघु शर्मा जो इंचार्ज हैं गुजरात प्रदेश के कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं गुजरात के उनके साथ एक बैठक यहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस में राहुल गांधी करेंगे। गुजरात का चुनावी फीडबैक पूरा लेंगे, कितनी तैयारी अब तक हुई है, कितना जो बूथ पर काम करने की बात है, बूथ योद्धा जिन लोगों को बनाया गया है, कितने लोग यहाँ पर उसमें जुट रहे हैं, क्या संदेश अब तक है, कौन सी नेगेटिविटी है, खास तौर पर 27 साल में भाजपा ने जो गुजरात में राज किया वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर भाजपा फेल रही, उनको लेकर एक फीडबैक लेंगे ताकि आज का जो भाषण उनकी तरफ से होना है उस भाषण में भी उस उन कंटेंट्स का राहुल गांधी उपयोग कर पाएंगे। और यहाँ से सीधे कार्यक्रम स्थल जाने का कार्यक्रम है जहाँ पर परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन का आयोजन गुजरात कांग्रेस की ओर से किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रघु शर्मा और राहुल गांधी सभी को संबोधित करेंगे। ये जो लोग हैं यहाँ जिन्हें एकत्रित किया गया है, अलग अलग गांव ढाणी से गुजरात से आए हैं, ये वो लोग हैं जो बूथ पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का इस कार्यक्रम के पीछे मानना है कि अगर हम बूथ जीतेंगे, बूथ पर कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो फिर वो चुनाव जीत पाएगी। नाम परिवर्तन दिया गया है कि 27 साल से एक ही पार्टी यानी भाजपा का गुजरात में राज है, तो उसको कैसे उसको परिवर्तन उसका किया जाए, कैसे कांग्रेस सत्ता में लाया जाए, ये एक कोशिश उनकी है लगातार। और इसीलिए हर बूथ से आदमी यहाँ पर बुलाया गया है। कहा जा रहा है करीब 50,000 लोगों को इस सम्मेलन में बुलाया गया है। सम्मेलन में संबोधन के बाद राहुल गांधी सीधे साबरमती आश्रम जाएंगे, यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। जो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है तो गांधी के आश्रम पहुंचकर राहुल गांधी प्रार्थना करेंगे, ये कहें गांधी महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेंगे कि ताकि वो उनकी जो 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो है, जो राहुल गांधी ने बीते दिन दिल्ली में मंच से कहा कि उनके पास एक अंतिम विकल्प है और वो सबसे अच्छा विकल्प है कि वो जनता के पास जाएँ, और इसीलिए हम पहले ही तय किया गया कि वो जनता के बीच जाएंगे। 3500 किलोमीटर की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो करने वाले हैं, उसके लिए महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेने के बाद वो यहाँ से दिल्ली रवाना होंगे। अभी हम स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय नेता हैं और प्रतिनिधि यहां के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं उनकी भीड़ यहां मौजूद है। कुछ राजस्थान के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हैं जो यहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए और हमारी राजनीति में यात्राएं जन समर्थन हासिल करने का बिल्कुल सटीक मंत्र भी है और यही वजह कि राहुल गांधी खुद इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जो कोशिश है कि बूथ योद्धाओं को मजबूत किया जाए, उनमें ऊर्जा का संचार किया जाए, तो इस कोशिश को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जब वो प्रभारी थे तो उस दौरान हमने देखा कि जो जीत और हार का अंतर था वो काफी कम हो गया था। देखिए पिछले चुनाव की जो बात है, पिछले चुनाव में भी अशोक गहलोत को पूरी तरह से गुजरात का जिम्मेदारी दी गई थी और गुजरात में पिछले चुनाव में एक माहौल पूरी तरह बदल गया था और उसके बाद कांग्रेस ने अच्छी सीटें प्राप्त की थी। सूरत और उसके आसपास के इलाके में उस समय कार्रवाइयाँ हुई थी जिस पर कांग्रेस के ये आरोप थे कि ये लोगों को, व्यापारियों को दबाने डराने के लिए ये सब कार्रवाइयों की कोशिश हो रही है। और उसके बाद जब सीटें सूरत के आसपास के इलाकों में कम हुई तो कांग्रेस साफ तौर पर यह आरोप था कि भाजपा ने लोगों को डराकर वोटों को डाइवर्ट किया। यही बात आज धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि यहां पर लोग पूरी तरह तैयार है, भाजपा के खिलाफ है, लेकिन डर और का जो माहौल है वो उसे पार पानी है, लोगों में क्रोध है। देखना यही महत्वपूर्ण अश्विनी कि जब संबोधित करेंगे राहुल गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम दिग्गज, तो क्या कुछ वो अपने संबोधन के दौरान कहेंगे। पर यह दौरा कई मायनों में अहम, क्योंकि एक और तो जहां महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेने राहुल गांधी पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा से पहले, तो वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव को करके बूथ योद्धाओं को और भी ज्यादा मजबूती वो देंगे, एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।